वेलकम एवरीवन। देखिए अभी हम लोग लवली आए हुए हैं और यहाँ पे अभी हम आपको फिशेस भी दिखाएंगे और बहुत मज़ा आ रहा है। और अभी प्रॉन कढ़ाई भी बनाएंगे, लेकिन प्रॉन हमने यहाँ से नहीं लिए, हम घर से लेकर आए। अभी हम बारबेक्यू भी करेंगे। चले अब हम 1 kg प्रॉन की कढ़ाई बनाएंगे और इसमें 4 tablespoons हमने ऑयल लिया है। अब हम इसमें जो है ये 1 medium size की प्याज हम चॉप करके डालेंगे, फिर इसको गोल्डन ब्राउन करेंगे और जब गोल्डन ब्राउन हो जाएगा तो हम इसमें बाकी मसाले डालेंगे। ये गोल्डन ब्राउन हो गई है, अब हम इसके अंदर सॉल्ट डालेंगे 1/2 teaspoon, हल्दी 1/2 teaspoon, पिसी हुई लाल मिर्च 1/2 teaspoon, पिसा हुआ धनिया 1 tablespoon और 1 tablespoon हम डालेंगे पिसा हुआ लहसुन। अब देखें ये बहुत अच्छी तरह गोल्डन ब्राउन हो चुकी है, अब हम इसमें सारे मसाले डालेंगे। फिर हम इसमें सारे मसाले डालने के बाद थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि मसाला अच्छी तरीके से भुन जाए और जले भी नहीं, और इसको बहुत अच्छी तरह भूनेंगे। फिर इसके अंदर हम डालेंगे 1 kg प्रॉन, और प्रॉन डालने के बाद हम इसके अंदर सूखी मेथी भी 1 tablespoon डालेंगे। ये हमारा मसाला बहुत अच्छी तरह भुन गया है, अब हम इसमें 2 tablespoon योगर्ट डाल देंगे। मेरा स्पून छोटा था तो मैंने 4 डाले, लेकिन 2 tablespoon डालने हैं हमने 1 kg। लेक के बराबर पे बना रहे थे तो यहाँ पे बहुत अच्छी सी जो है ना, हमारे पास यहाँ पे डक्स भी आ गई थी। इसमें भुन गया योगर्ट हमने डाल दिया, फिर हमने 1 kg प्रॉन डाल दिए। हम प्रॉन को भूनेंगे और इसमें तकरीबन 1 tablespoon हम इसमें सूखी मेथी डाल देंगे, फिर इसको बहुत अच्छी तरीके से भूनेंगे। और अब इसमें कोई पानी वगैरह नहीं डालेंगे, बस इसी तरह बहुत अच्छी तरह इसको भून के और फिर ये रेडी हो जाएगा। ऑयल ऊपर आ गया है, कलर बहुत अच्छा सा आ गया है और ये बिल्कुल डन है, ऑलमोस्ट डन है बिल्कुल। कोयला टी बन रही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।